हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगा, ठंड के मौसम में जब आप लोग ड्राइव करते हैं तो आप लोगों के सामने क्या कुहा सा दिखाई देता है, पूरा का पूरा कुहा लगा रहता है रास्ते में, हर प्रत्येक रास्ते में। तो मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि इस कुहा वाले समय में, ठंड के मौसम में, किस तरह से गाड़ी को है ड्राइव करना चाहिए, वो भी आराम से। तो सबसे पहले आप जब एक गाड़ी को निकालिएगा तो कम से कम ग्लास को, आपके सामने जो ग्लास है उसको अच्छे से पूरा साफ कर लीजिएगा, और थोड़ा जो शीशा है ना इसको खोल लीजिएगा। अगर एसी वाला है तो कम से कम हीटर को ऑन कर दीजिएगा, यह सोचना आप लोग अच्छे से जानिएगा। और थोड़ा थोड़ा आप चाहे तो चला रहे हैं पिकअप गाड़ी, चाहे जिसमें नहीं है एसी, तो कम से कम थोड़ा थोड़ा शीशा खोल लीजिए ताकि आपके अंदर जो है वो गैस नहीं बने और कुहा नहीं लगे आप लोगों के सामने। और कम से कम जो है चारों इंडिकेटर यहाँ से वो प्रेस कीजिएगा, यह जो बटन है इस बटन को आप कम से कम प्रेस कीजिएगा, जो चारों जो है साइड इंडिकेटर वह जलेगा, जिस तरह से अभी जल रहा है। इसको जलाकर आप लोग चलिएगा आराम से, और कम से कम स्पीड में आप लोग नहीं चलाइएगा। जब कुहा लगा हो तो कम से कम स्पीड चलाना तो सबसे बेकार बात है। तो कुहा वाले रास्ते में कम से कम आप लोग स्पीड चलाइएगा तो लगभग 60 काफ़ी हो जाता है। जब आपको दिखाई दे तो कम से कम स्पीड बढ़ा सकते हैं, नहीं तो कम से कम 60 के स्पीड में चलाइएगा। और अभी मेरे सामने जो है गाँव वाला रास्ता में हम आए हुए हैं और कुहा टाइप का लगा हुआ है, देख सकते हैं कि सुबह का मौसम है तो कुहा जो है बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो हमसे जिस तरह से हम निकाल रहे हैं गाड़ी को उसे चलाइएगा। और अभी हम चल रहे हैं या सीधा रास्ते में, वही आप लोगों को बताना चाहते हैं, कम से कम जब गाड़ी को निकाले तो कम से कम पूरा का पूरा आराम से पूरा साफ कर रहे हैं। जो जो जानकारी मैं आप लोगों को दिया हूँ वही सब जानकारी को आप लोग कम से कम प्रेस कीजिएगा, ऑन कर दीजिएगा, उसके बाद चलाइएगा और आराम से चलाइएगा। हड़बड़ी नहीं है, लेट हो जाए वो अलग बात, लेकिन कम से कम आराम से चलाइएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।